राधे राधे एवरीवन। जो हमें लड्डू गोपाल मिले थे जिनका हैंड नहीं था, देखिए ये पहले इस प्रकार थे और हमने इनको पहले साफ किया है और उसके बाद मैं इनका मेकअप किया है। ये 4 नंबर के लड्डू गोपाल हैं, आज मैं इनका मेकअप करने वाली हूँ। किस प्रकार मैंने इनका श्रृंगार किया है और कौन से कलर लिए हैं, तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आज आपको लड्डू गोपाल का मेकअप करना बताऊंगी। तो मैंने यहाँ पर फैब्रिक कलर ले लिए हैं और काफ़ी बार मैं इन कलरों का यूज कर चुकी हूँ क्योंकि मैं अपने लड्डू गोपाल का जो श्रृंगार है इन्हीं कलर से करती हूँ। तो सबसे पहले हमें एक जो ब्रश लेना है, वो आपके पास लाइनर वाला जो ब्रश होता है, जो लोग हम यूज करते हैं, महिलाएँ यूज करती हैं लाइनर के लिए, आप वो वाला ब्रश लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि जो ब्रश होता है वो पतला होता है और बहुत आसानी से उससे लड्डू गोपाल का श्रृंगार हो जाता है। तो जो लाइनर था मेरा ख़त्म हो चुका था और वो सूख भी गया था, तो मैंने ये ब्रश जो है बहुत ही संभाल कर रखा है। जब भी मैं लड्डू गोपाल का मेकअप करती हूँ ये ब्रश बहुत ही यूज़फुल रहता है मेकअप करने में। तो देखिए मैंने येलो कलर ले लिया है। पहले येलो कलर से हम जो आई शेडो लगाते हैं तो उस प्रकार से एक हल्की सी आउटलाइन देंगे और उसके बाद एक हल्की सी लाइन ब्लू की देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर सिर्फ एक कलर से कर सकते हैं अगर आपको नहीं आता है तो, और अगर आप इस ब्रश से करते हैं तो कोई भी व्यक्ति हो वो बहुत आसानी से लड्डू गोपाल का श्रृंगार कर सकता है। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर येलो और ब्लू आउटलाइन कर दी है, यानी जो हम बोलते हैं आई शेडो लगाना, वो लगा दिया है लड्डू गोपाल के। उसके बाद में हम आईब्रोज बनाएंगे और लड्डू गोपाल की जो आइज़ हैं वो हम अभी परमानेंट जो लगी हुई हैं रेडीमेड उन्हीं को रहने देंगे, हमें उन्हें निकालना नहीं है। फिर किसी टाइम पर हम लड्डू गोपाल की एमसिल से आइज़ बनाकर परमानेंट आइज़ बना देंगे, लेकिन अभी हमने यहाँ पर जो आइज़ लगी हुई हैं उन्हीं पर हमें ये काजल की तरीके से हमें ये कलर लगा देना है, यानी आउटलाइन कर देनी है, जिससे लड्डू गोपाल का ऐसे लगे कि हमने काजल लगाया है और लाइनर लगाया है। तो इस प्रकार बहुत ही हल्के हल्के हाथों से हमें ये करना है। और अगर आपके घर के लड्डू गोपाल हैं तो पहले उनके जो प्राण होते हैं किसी और आप विग्रह में डाल करके उनसे आग्रह करके तब आप ये प्रोसीजर स्टार्ट करें। हमें ये लड्डू गोपाल कहीं मिले थे, इनका स्टोरी मैंने आपको पहले भी बताया है। तो इनका हमने हैंड भी ठीक किया है और मैं बाद में इनको फिर से लेकर जाऊंगी कहीं शॉप पर, मैंने पता किया था, और इनका जो हैंड है पूरी तरह से इनको ठीक कराएंगे। लेकिन अभी हमारे वहाँ जाना नहीं हो रहा है और थोड़ा दूर भी है, एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ेगा, तो इसलिए नहीं ठीक करा पाए हैं। अभी हमें इनकी सेवा स्टार्ट करनी है, तो जो हमसे बन पड़ता है हो पाया है हम इनके लिए कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने इनका श्रृंगार कर दिया है। और ये आप लड्डू गोपाल का श्रृंगार जो होता है वो बहुत आसानी से जल्दी नहीं निकलता है, और ये 25 या 30 का एक कलर आता है अगर आप अपने लड्डू गोपाल को ये कलर करना चाहते हैं तो। देखिए अगर आप करना चाहें तो सिर्फ 3 कलर से ही लड्डू गोपाल का श्रृंगार कर सकते हैं। आपको एक वाइट कलर और ब्लैक और येलो कलर, ये 3 कलर बहुत मेन होते हैं जिनसे आप अपने लड्डू गोपाल का मेकअप कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर रेड कलर भी ले सकते हैं क्योंकि लिप्स पर लगाने के लिए रेड कलर आपको चाहिए होगा। तो 4 कलर हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं लड्डू गोपाल के श्रृंगार के लिए। अगर आप फर्स्ट टाइम लड्डू गोपाल का श्रृंगार कर रहे हैं तो आपको ये आइज जो परमानेंट मार्केट की जो आती हैं आपको उन्हीं को लगानी होगी, उसके बाद आप श्रृंगार करें। डायरेक्ट आप आइज इनके पर लगा करके एमसील से बना करके तब श्रृंगार ना करें क्योंकि थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। जो मार्केट की आइज हैं पहले उनको ही लगा रहने दें और उसके बाद श्रृंगार करें, तो आपके लिए ईजी रहेगा और आपके लड्डू गोपाल भी बहुत सुंदर दिखेंगे। तो देखिए इस तरीके से जो हेयर हैं हम लड्डू गोपाल के वो भी ब्लैक कर देंगे, जिससे सुंदरता इनकी और भी बढ़ जाती है। फाइनल लुक आपको तभी पता चलता है जब आप इनके लिप्स कलर कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर इनके लिप्स रेड कर दिए हैं, उसके बाद आप चाहें तो इनको ज्वेलरी वगैरह पहना सकते हैं। मैंने सिर्फ जो टूथपिक आती है ना उससे मैंने डॉट डॉट करके इनकी गले की माला बना दी है क्योंकि मैं लड्डू गोपाल की मालिश करती हूँ,
तो जब भी मालिश करते हैं तो इत्र लगाते हैं, उससे कलर जल्दी निकल जाता है, तो इसलिए मैं ज्वेलरी वगैरह बहुत ही कम पहनाती हूँ अपने लड्डू गोपाल को। थोड़ा बोलने में ऊपर नीचे हो जाता है, आप लोग समझदार हैं, समझ जाते हैं मेरी बातों को। तो इस तरीके से मैंने डॉट डॉट लगा करके लड्डू गोपाल को ज्वेलरी पहना दी है। आप चाहें तो हाथ में बाजूबंद पहना सकते हैं, और कंगन की जगह पर मैं लड्डू गोपाल को नजरिए पहनाऊँगी, तो नजरिए भी नहीं लेके आ पाई हूँ। नेक्स्ट टाइम जब भी मार्केट का चक्कर लगेगा मैं अपने लाला के लिए नजरिए भी लेकर आऊंगी। तो इस तरीके से हमारे लड्डू गोपाल का श्रृंगार हो चुका है, और सर्दियों का समय है तो थोड़ा सूखने में भी समय लगेगा, और उसके बाद हम अपने लाला को पंचामृत स्नान करा करके अपने घर के मंदिर में इनको विराजमान करेंगे। लड्डू गोपाल का जब श्रृंगार सूख जाता है तो उसके बाद में बारनिस आती है, जो लड्डू गोपाल के श्रृंगार के ऊपर की जाती है, यानी जहाँ जहाँ पर हमने पेंट किया है, लड्डू गोपाल का श्रृंगार किया है, बस वहीं पर आपको वार्निस करनी होती है, जिससे लड्डू गोपाल का वो पेंट निकलता नहीं है, अधिक समय तक चलता है। तो देखिए फाइनल लुक ये है, हमारे लाला रेडी हो चुके हैं श्रृंगार करके। अब वेट करते हैं इनके श्रृंगार के सूखने का, और उसके बाद में इनको हम ड्रेस पहना देंगे, क्योंकि ज़्यादा देर तक हम इनको बगैर वस्त्र की नहीं रखेंगे, इनको सर्दी लग रही होगी। तो देखिए हल्का सा सूख जाए उसके बाद मैं इनको वस्त्र पहना दूंगी। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसे लगे आप लोगों को हमारे छोटे से 4 नंबर के लाला, और इनकी सेवा अर्चना की वीडियो हमारे चैनल पर आती रहेगी। तो फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।